सो गाइस आ गया है वन प्लस का नोड 3 5C यहाँ पे इंडिया में अभी जो है लॉन्च होने वाला है July 5th 2023 में। सो गाइस इस जो है डिवाइस का क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड किस प्राइस में आपको यहाँ पे ये डिवाइस जो है मिलने वाला है पूरा डिटेल्स में हम इस वीडियो पे जान लेंगे। सो अगर आप भी वेटिंग पे है तो कमेंट करके जरूर बताना एंड यहाँ पे पूरा वीडियो को जरूर देख लो जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि कितना रेट में आएगा एंड क्या क्या इस पे जो है फीचर्स दिया हुआ है। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट में हम जानेंगे डिस्प्ले, जैसे कि डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा 120Hz एंड फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेगा। SoC आपको देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 9000। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे रैम, यानी रैम कितना आपको मिल जाएगा 8 या 6 GB रैम आपको देखने को मिल जाएगा या फिर आपको जो है 256 GB ऑफ स्टोरेज आपको इस डिवाइस पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में, जैसे कि आपको 5mAh का बैटरी देखने को मिलेगा एंड 80W का चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा। जी गाइस फास्ट चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन 80W का चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे रियर कैमरा, तो 50MP प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, 8MP आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा, 2MP मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा एंड फ्रंट कैमरा का बात करें तो यहाँ पे 16MP फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा जो कि सिंगल है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम जो है इसका कलर का, यानी किस किस कलर पे आपको ये डिवाइस जो है मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पे टेम्पेस ग्रे एंड मिस्टिक ग्रीन का एक जो है कलर है। सो इस टाइप का ये दो कलर आपको इस डिवाइस में फिलहाल जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस लास्ट में यहाँ पे हम ये देख लेंगे कि कितना प्राइस इसमें आएगा, यानी अगर आप ये डिवाइस परचेज करोगे तो कितना रुपीज आपको पे करना होगा। सो यहाँ पे दो प्राइस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 8+128GB का जो डिवाइस है स्टोरेज है अगर आप लेंगे सो 40,000 पे आपको लेना होगा एंड वहीं पे अगर आप जो है 12+256GB का अगर आप जो है फोन परचेज करते हैं सो लगभग आपको 50,000 का आपको यहाँ पे जो है प्राइस पड़ेगा। सो इससे कम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है लेकिन क्योंकि अभी जो है फिलहाल अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जैसे ही लॉन्च होगा उसके बाद मालूम चल जाएगा। यहाँ पे लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 के अंदर यहाँ पे आपको ये प्राइस जो है पड़ सकता है। सो आपको क्या लग रहा है कि कितना प्राइस आपको पे करना होगा अगर आप ये फोन परचेज करेंगे तो कितना दाम होगा, ये कन्फर्म अभी आपको कोई भी बता नहीं सकता है। सो जितना मुझे लग रहा है कि 30 के अंदर अंदर आ सकता है लेकिन कुछ अलग अलग साइड में अलग अलग आपको यहाँ पे जो है प्राइस शो अप होगा। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, बताना कि आपके हिसाब से कौन सा प्राइस होने वाला है। सो गाइस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दूसरे के साथ शेयर जरूर करना, अगर वो भी चाह रहा है वन प्लस डिवाइस परचेज करना। सो ये न्यू डिवाइस बहुत ही जल्द आने